बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। ये उस समय के कार्य करता है, मजबूती से लड़ता। उस समय हम लोग अपनी दिल की तसल्ली को क्या कहते थे मालूम है? क्योंकि जब पिटते थे पुलिस से तो आप जैसे कुछ लोग हमें माला पहना देते, तो हम कहते पुलिस की मार जनता के हार, ये मिलते हम लोगों को नेताओं को। अब थप्पड़ मारने का बहुत मन करता है लोगों में जो दुष्ट है, लेकिन मार नहीं पाते क्योंकि कुछ गरिमा है। और ये अखबार वाले हैं ना, ये लिख देंगे फौरन मंत्री की गुंडागर्दी, तो इसलिए कई बार मन महसूस के रहना पड़ता है कल हमसे मार करनी है। अब आदम से दी तो मित्रों, हम सब लोग उस समय की राजनीति कर रहे हैं और उसकी स्थापना की राजनीति कर रहे हैं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप उस पार्टी के सिपहसालार हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कि आदर्शों की, सिद्धांतों की, मूल्यों की राजनीति करती है। हम सब लोग उसके वाहक हैं, या हमारी ईश्वर की कृपा है, हमारा सौभाग्य है, इसे मानना चाहिए। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता, हम परिवारवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता जो कि चाय वाले को पीएम बना सकती है। ये पार्टी हमारी पार्टी है, एक पूजा करने वाले को मंदिर में के मठाधीश को हमारा सीएम बना सकती है, ये वो पार्टी। इसलिए मित्रों, उस योजनाओं को, उन कार्यों को, सिद्धांतों को लेकर हम चले हैं। जब लोग कहा करते थे, जब आप पर कपूर जब आप निकलते होंगे तो लोग कहते होंगे एक मुहावरा था, मैं बोलूंगा नहीं, संगीत फलाना फला। और आप लोगों ने उस समय संघर्ष किया, सामा जी, लवानिया जी, रावत जी, विपिन जी, रावण शंकर अग्रवाल जी, एक बहुत लंबी श्रृंखला थी। उन श्रृंखला ऐसे लोगों की पुण्याई। और जब लोग सोचते थे कि ये वाली राजनीति क्यों करते हैं ये लोग, लेकिन उन सिद्धांतों की स्थापना की राजनीति चली और आज पूरे देश में उन सिद्धांतों का परचम फैला रहा है मेरा नेता मोदी, पूरे विश्व में उसका अलग जगह रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। अजय जी बैठे हो, अजय जी, ये भी पुराने में से ही है जो लड़ते रहे, पिटते रहे, जूझते रहे। तो जब हम लोग उस श्रृंखला के निकले हुए हैं तो हम कार्यकर्ता हैं। मंत्री आप लोग युवाओं ने बना दिया, एक दायित्व है आपके बीच में कार्यकर्ता हूं, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसलिए आप लोगों से कहने अलौकिक मेरा बेटा है और सरदार जी हमारे सारे सत्तरदार सारे हैं, अलौक जी पीछे, मेहरवानी जी, कोहली साहब, अपने कश्यप जी, दिनेश जी, अपने प्रजापति जी बहुत पुराने पार्षद हैं, अनिता जी, आशीष जी, सम्मानित पूरा मंच, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि नहीं हूँ मैं, संचालक हूँ मैं, इस कार्यक्रम का मुख्य सेवक, क्योंकि मैं चाहता था जैसा कि भोलवानी जी ने बताया कि चुनाव के तुरंत बाद मैं इस कार्यक्रम को करूं, क्योंकि मुझे आप सब पर विश्वास था। एक और मैं का काउंटिंग हो जाने दो, मैंने कहा सत्यनारायण जी की कथा हो जाए, इनकी फलाना हो जाने दो, फिर करेंगे कि और उससे आगे फिर मंत्री बन जाने दो, कब करेंगे फिर उससे आगे कुछ और हो जाने दो। और वो होता गया, देखिए करता गया, विलंब हुआ, देर हो गई, लेकिन आया तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूनिक बेवफा नहीं। मेरी मजबूरी थी क्योंकि आप इससे समझ रहे थे कि चार महीने में पहली बार ये मौका मिल रहा है कि तीन दिन आधा रुक पाए, उसका कारण है कि हमारे चार बॉस सभी जनप्रतिनिधियों के तीन होते हैं, हमारे चार, जनता,
कार्यकर्ता शामिल है, तो संगठन में भी कार्यकर्ता शामिल है, सीएम नहीं, और शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कुलाधिपति गवर्नर होता है, तो गवर्नर मैडम भी हमारी पहुंच, और इन दो पाटल के बीच में साबुन बचा रहा है, तो चार पाटल के बीच में से, तो इसलिए व्यवस्था थोड़ी ज्यादा है। फिर विभाग भी कुछ ऐसा है जिसमें पढ़ना पड़ता है, रात के 3-3 बजे तक फाइलें पढ़ते हैं, तब उस पर निर्णय लेते हैं। कोई डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी ये मान ली, उसे पुल बनाया है, बनाना है, इंजीनियर ने बनाया है, तब पुलिस धर्म तस्कर हुए रहता है, यहाँ हर चीज का अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि तो शिक्षा से संबंधित कोई विषय है। अब शिक्षा नीति है तो शिक्षा नीति ऐसे ही नहीं बनती, इतना मंथन किया होगा, चिंतन किया होगा, मनन किया होगा, उसका नीति बनी, तो इसलिए थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट ज्यादा मेहनत का है। लेकिन आप सबकी दुआएं थी, आप सब वो हैं जिन्होंने मुझे पहला चुनाव विपरीत परिस्थितियों में 23,000 वोटों से जिताया है। आप सब वो हैं, वरना अमूमन होता क्या है कि जब आदमी पद पर आता है उसका अगले चुनाव में गिरावट आता है, एक राजनीति की नियति है ये। लेकिन जहां आप जैसे कार्यकर्ता थे, तो पहला चुनाव 23,000 से और दूसरा चुनाव 52,000 से आप लोगों ने, तीसरा चुनाव टिपिकल था, टिपिकल आप समझ रहे किस अंदाज में, क्योंकि पहले तो लोग ये कहते थे कि वो एक बंटोले में लड़ रहे लोग इसलिए जीत जाते थे, लेकिन तीसरे चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने एक ही वर्ग के प्रत्याशी खड़े किए, और लोग हमारे प्रतिद्वंदी थे वो कहते थे अब आया है पहाड़ के नीचे, इस बार देखे कैसे जीतेगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिसे वो पहाड़ कह रहे हैं, मेरे पास हिमालय पर्वत था, सब पहाड़ों के आगे पहुंच गए। ये कार्यकर्ताओं का हिमालय जिसके पास हो उसके आगे सब पहाड़ तो बोले भी साबित हो जाएंगे, जो आप लोगों ने साबित करके दिखाया, और तीसरा चुनाव 57,000 से जिताया, रिकॉर्ड। उत्तरोत्तर श्रेणी में बढ़ता गया, ये सब आपकी ही मेहनत, परिश्रम, लगन, इसके परिणाम है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब दुआ दे रहे थे, जब जहां भी जाता था, भाई साहब मंत्री बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए, और कुछ हमारे कार्यकर्ता बंधु है ना, स्वतंत्र प्रभार तो मिलना चाहिए, लेकिन आपकी दुआएं ऐसी फली, ऐसी फली कि जली तो जली, सिखी भी खूब, कैबिनेट मंत्री नेतृत्व में उनका भी आभार, नेतृत्व का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए पहली बार में, और आप सबकी दुआओं की दुआएं सुनती है मित्रों, और आपकी दुआएं तो दिल से भूख निकली होगी, वो टकरा के वहां पहुंची होगी नेतृत्व के पास, और उसने प्रणाम दिया है, इसलिए आपका आभार, आपका प्रणाम। इसलिए प्रो कार्यक्रम किया गया था कि आप सबका आभार प्रकट कर सकूं, व्यस्ताएं बहुत हो गई है, जैसे पहले बहन जी कह रही थी कि रोज सुबह निकलता था मैं किसी गली ऊंचे कॉलोनी मोहल्ले में जाना, सतत संपर्क जिसको नाम लिया था मैंने, अब पूरा प्रदेश बहुत बड़ा हो गया, एक सिरे से दूसरा सिरा, एक देश से छोटे कई देश से छोटे, और 60% मेरा इस समय जीवन कार में बैठा, 40% में सब काम हो रहे हैं, 60% कार में बीतता है, सड़कों में चलने में बीतता है, यात्रा करने में। एक दिन मैंने पूछा दिनेश शर्मा जी से, मैंने भाई साहब आप मैनेज कैसे करते हैं, उससे पहले वो शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा, 3-3 बजे तक कहीं पहुंचना, 4 बजे तक पहुंचना, 5 बजे उठना, जैसे योगासन कार्यक्रम था,
तो मेरठ पहुंचा था मैं सुबह 4 बजे और 6 बजे का कार्यक्रम था। जो कार्यक्रम था जहां मुझे ठहराया गया था 1 घंटा दूर था, तो 5 बजे निकलना। तो 5 बजे निकलने के लिए उठना, आप समझ रहे होंगे क्या पोजीशन बनी हुई। तो उसके बाद ही मैंने पूछा आप कैसे मैनेज करते हैं, बोलो मैं डिप्टी CM था। तो मैंने इससे क्या मतलब, डिपार्टमेंट तो यही था। बोले मेरे पास हेलीकॉप्टर था, हवाई जहाज था, तो क्योंकि तुम मैं कहा बोले जिस यात्रा को मैं 2 घंटे में पूरा करता था तो मैं 10 घंटे लगते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन करना है। अगर कार्यकर्ताओं ने विश्वास दिया है और नेतृत्व ने विश्वास किया है तो फिर उसमें खड़े करना चाहिए। और आप सबसे मैं दुआ कर रहा हूँ कि ऐसी शक्ति दे ईश्वर मुझे कि वो काम कर जाऊँ कि आने वाली नस्लों के लिए आने वाली नस्लें याद रहें। और धीरे धीरे उस लाइन पर चल रहे हैं। ईश्वर से कामना है, क्योंकि मित्रों हमने राजनीति सत्ता के लिए जब बैठे पुराने लोग सब कपूर साहब बैठे हैं, गंगवार साहब बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे, इस मंच में भी ऐसे लोग बैठे हैं, नंगी है। जब हमने राजनीति शुरू की थी, मैं विद्यार्थी परिषद में था, तो 2 MP और 8 MLA हुआ करते, पूरे देश में 2 MP और प्रदेश में उत्तर प्रदेश के 403 उस समय मेंबर हुआ करते थे। 403 में 8 MLA, हम मंत्री बनेंगे तो छोड़िए, MLA बनेंगे तो छोड़िए, सत्ता में भाजपा आएगी अभी नहीं सोचते। लेकिन चुनौती उधर, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई, जिन लोगों के हाथ में सत्ता थी तो राष्ट्रवाद से इधर उधर बातें करते थे। हिंदुत्व जो इस देश का प्राण है, उस प्राण से को निकालना चाहते थे, निचोड़कर दूसरी विचारों को स्थापना करना चाहते। तब हमारे मनीषियों ने, हमारे मातृसंघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये विचार किया कि राजनीति में इस विचार की स्थापना होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न जनसंघ बनी और उस विचार को राजनीति में स्थापित करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। हम सत्ता के लिए संघर्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करता है, अपने मूल्यों की स्थापना के लिए संघर्ष। तो हम लोग तब से आपसे बहुत से है उस समय के लोग यहाँ वो बैठे चले गुलाटी, ईश्वर कितना बड़ा काम कर रहा है अनायास। जब वहां मैंने 20 मिनट इस विषय को रखा शिवाजी महाराज के, 20 मिनट में 20 बार वहां के लोग जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी का उद्घोष कर रहे, तो मैंने कहा ये शिंदो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की राजनीति को जोड़ेगा। उत्तर भारत के खिलाफ जो महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं उनके मुंह पे तमाचा मारेगा और भारतीय जनता पार्टी का पलटन लहराएगा। ये करने जा रहे हैं। मेरे डिपार्टमेंट में नक्षत्रशालाएं हैं, आगरा में एक नक्षत्रशाला खुले, भिजवा दिया DM को जमीन देखें, नक्षत्रशाला खुलेंगी, यहाँ के छात्रों को ज्ञान प्राप्त होगा और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा, साइंस का पार्क खुलेगा और एक डिफेंस पार्क खोलने की और योजना है, राजनाथ सिंह जी से मुलाकात करनी है इस बार विषय पर। तो एक पर्यटन स्थल विकसित होगा, ज्ञान का केंद्र विकसित होगा आगरे के अंदर, ये भी मेरे एजेंडा में है। मैं आप सबको तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप बता सके लोगों कि हमारा कार्यकर्ता कितने काम के लिए जुटा हुआ है। ऐसे ही IT पार्क, उसका डेवलपमेंट हो, IT पार्क के साथ साथ IT एकेडमी भी बने जिससे छात्र यहाँ से पढ़कर एक योजना के तहत यहाँ पर IT हब बने। अब नोएडा जैसा मिनी नोएडा यहाँ बन सके, इसके लिए भी मैंने जमीन देख चुका हूँ और वो सरकार की जमीन है, बड़ी जमीन है, उस विषय में बात की है। हीरा नंदानी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़ा व्यापारी, उनके लड़के से बात हुई है मेरी कि यहाँ पर एक डाटा सेंटर खुली आगरा के, तो बोले अभी तो हम नोएडा में खोल रहे हैं। मैंने कहा उतना बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा खोले। जब वो डाटा सेंटर उनको
बोले पापा इंग्लैंड में है, मैंने कहा लौटना है तो एक बार बैठना चाहता, अगर वो राजी हो गए टाटा सेंटर खोलने के लिए तो मिनी नोएडा बन जाएगा आगरा, ये मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोशिश है, देखिए अभी जैसे गंगा जल का जिक्र आया, ईश्वर करता है आगरा की पूरी पार्टी उस पर लड़ी चुनाव, जो गंगा को लाए हैं उनको लाएंगे, यानी पूरी पार्टी के लिए था। हर MLA इस बात को लड़ा कह रहा था, पार्टी मैं नहीं हूँ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ कि आप लोग में इसलिए से मुझे भगीरथ कहा, लेकिन पार्टी मेरे साथ आप जैसे कार्यकर्ता खड़े थे, न जाने कितने कार्यकर्ता मेरे साथ उस मुहिम में लगे थे, मंच में बैठे हुए दिलीप जी ये भी गए थे, तुम भी गए हो एक बार, मेरे साथ मनोज जी भी गए हैं।